रब्बी श्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै वहुदन वरहमतन वबुश्रा लिलमुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यमन नशूर अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसहाबीही वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद निहायत ही मोहतशम सामीन हजरात, रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से आज हमारे खुतबा जुमातुल मुबारक का मौजू है मसला इल्म गैब दूसरी किस्त। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए, हम सबको इस्लामी अकायद और अहकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामिन हजरात, इससे पहली किस्त में आपने कुरान मजीद के चौथे पारे की एक आयत के बारे में खुतबा जुमा समाअत किया। आज की गुफ्तगू मसला-ए इल्म गैब पर इस हैसियत से है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जो अताई मानते हैं तो इस अता का तरीका और जरिया क्या है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह ये अता फरमाया है। अगरचे इस अता का मुकम्मल तारुफ हमारे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन जो कुछ कुरान मजीद की आयात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हमें पता चलता है उसकी रोशनी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे ये उलूम अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाए हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद की मुताद्दद आयात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब, उसका तज़किरा और उसका बयान मौजूद है। सूरह जिन में है, खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह गैब जानने वाला है, अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता, लेकिन रसूलों में से जिसे चाहे उस पर गैब जाहिर फरमा देता है। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबी अहदा इल्ला। अल्लाह गैब जानने वाला है और गैब का इजहार किसी पर नहीं करता। ये कानून है कि इस्तिस्ना से पहले जिस चीज की नफी हो बाद में उसी का ही इस बात होता है। आप कलमा इस्लाम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लफ्ज इल्ला जो है उससे पहले नफी की जा रही है और बाद में इस बात किया जा रहा है। तो नफी जो है वो इला की है, झूठे इला की नफी है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह। तो इल्ला के बाद जो इस बात हुआ तो अल्लाह के माबूद होने का इस बात हुआ, ना कि अल्लाह ताला की किसी और जिहत का इस बात समझा जाए। ला इलाहा यहां तक जो नफी है उसमें चूंकि नफी दीगर से उलूहियत की है तो आगे जो इस बात होगा अल्लाह के लिए तो वो इस बात उलूहियत का होगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह ही माबूद है, कोई और माबूद नहीं मगर अल्लाह। तो जिस तरह यहां पर इस्तिस्ना है ऐसे ही इस आयत करीमा में भी इस्तिस्ना है, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबी अहदा इल्ला, अल्लाह गैब जानने वाला है, इल्मे गैब का इजहार किसी पर भी नहीं करता इल्ला मगर किस पर, मनिर्तबा मिर रसूल, जिसे रसूलों में से चाहता है उसके लिए इल्मे गैब को जाहिर फरमा देता है। क्योंकि इल्ला से पहले जो नफी है वो इल्मे गैब की है और उसके इजहार की नफी है। अल्लाह गैब जानता है, ला युज़हिरु अला गैबिही, अपने उस इल्मे गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता इल्ला मनिर्तबा मिर रसूल, मगर रसूलों में से जिसको चाहता है उस पर उसी अपने गैब का इजहार करता है जिसका और किसी पर इजहार नहीं करता। तो इल्ला से पहले जिस चीज की नफी की गई इल्ला के बाद उसी चीज का इस्बात, यही हमारा अकीदा है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू के देने के बगैर कोई बंदा कोई इल्म भी नहीं जान सकते, जाए कि वो गैब का हो या गैब के अलावा कोई हो, और अगर वो चाहे तो वो अपने बंदों को दीगर इल्म भी अता फरमाता है और मखसूस शख्सियात को गैब का इल्म भी अता फरमा देता है। ऐसे ही खालिक़े कायनात सूरह आल इमरान में फरमाता है, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीहि इलैक, ये गैब की खबरें हैं, ये गैब की खबरों में से है जो हमने आपकी तरफ वही की है। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इस मकाम पर भी गैब का जिक्र करके उसकी खबर का जिक्र किया, और खबर ऐसी चीज है जब किसी चीज की खबर आती है साथ उसका इल्म भी आ जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि बंदे को किसी बात की खबर तो हो मगर उसका इल्म ना हो, ये फर्क करना खबर और इल्म में ये निहायत ही गैर माकूल बात है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमा दिया कि मैं गैब की खबर दे रहा हूं तो पता चला कि साथ ही गैब का इल्म भी अता कर रहा है, क्योंकि खबर बगैर इल्म के हो ही नहीं सकती। खबर अगर दुनिया के किसी वाक़े की है तो फिर जब खबर आएगी उस वाक़े का इल्म आ जाएगा, और अगर खबर जो है वो गैब के उमूर की है तो जब खबर आएगी तो साथ इल्म भी जरूर आ जाएगा। लिहाजा लफ्ज खबर से कोई इसको गलते में ना पड़े कि ये खबर का जिक्र है इल्म का जिक्र नहीं, पहले बाकायदा इल्म का जिक्र था और यहां पर खबर का जिक्र है, और खबर जिस वक्त किसी को मालूम होती है जिस चीज की खबर उसका इल्म भी आ जाता है, और चूंकि यहां पर गैब की खबर है लिहाजा जब गैब की खबर आएगी तो साथ गैब का इल्म भी आ जाएगा। तीसरे नंबर पर सूरह तकवीर में खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, वमा हुवा अलल गैब बिज़नीन, कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम गैब बताने में बखील नहीं है, इनसे जो पूछता है ये इत्तला देते हैं। तफसीर खाजिन वगैरह में बाकायदा तौर पर इसकी शरह में ये कहा गया कि बखील न होने का मतलब ये नहीं कि इनको आता नहीं, बखील का मतलब ये है कि इनको आने के बाद ये उसका मौका के मुनासिब इजहार भी कर देते हैं। जिसके पास कुछ हो और फिर न दे उस पर बुखल का इल्जाम आता है। तो खालिक़े कायनात ने इस इल्जाम को दूर किया, फरमाया ये गैब बताने में बखील नहीं है, लिहाजा जब सवाल करने वाले की हैसियत को सामने रखते हैं कि उसको खबर देने से अगर फायदा होगा नुकसान नहीं होगा तो फिर उस खबर का इजहार जरूर करते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इल्म के मामले में हरगिज बखील नहीं है। चौथे नंबर पर खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने ये इरशाद फरमाया, सूरह निसा में है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, अल्लाह ने आपको इल्म दिया हर उस चीज का जिसको आप नहीं जानते थे। मा लम तकुन तालम, जो भी आपको मालूम नहीं अल्लाह उसका इल्म आपको अल्लाह ने अता फरमा दिया है। यहां पर लफ्ज मा ये उमूम पर है, मा से मुराद कुरान और सुन्नत का इल्म है, मा से मुराद आसमान के तबकात का इल्म है, मा से मुराद जमीन के तबकात का इल्म है, मा से मुराद आलम दुनिया का इल्म भी है, माँ से मुराद आलम बरज़ख का इल्म भी है, माँ से मुराद आलम आखिरत का इल्म भी है, माँ से मुराद समुंदर की हर हर कतरे का इल्म भी है, माँ से मुराद सहरा के हर हर जर्रे का इल्म भी है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो भी आप नहीं जानते थे अल्लाह ने वो सब कुछ आपको अता फरमा दिया है। इसी उमूम की वजह से इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की शरह उम्दतुल कारी की दूसरी जिल्द में जब रूह के इल्म का मसला छेड़ा, यस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी, इस मकाम पर वो लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अल्लाह ने दीगर इल्म अता फरमाए, ऐसे अल्लाह ने रूह का इल्म भी अता फरमाया। क्यों? कहते हैं जल्ला मनसबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुआ हबीबुल्लाह व सैयदो खल्के ही अन यकूना गैर आलिमिन बिर्रूह। कहने लगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब भी हो और सारी मखलूक के सरदार भी हो और फिर रूह का इल्म ना हो, ये आपकी शान के मुनासिब नहीं है। वकैफा, ये कैसे हो सकता है? वक़द मन्नल्लाहु अलैहि वक़ाला अवअल्लमका मा लम तकुन तालम। इमाम बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं जब अल्लाह ने ये भी एहसान फरमाया है कि जो भी तुम्हें नहीं आता था मैंने वो बता दिया है, उस जो में रूह भी मौजूद है, लिहाजा महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह का इल्म भी अता फरमाया है। तो मेरा यह अर्ज करने का मकसद यह है कि माँ का जो उमूम हम बयान कर रहे हैं, ये सिर्फ हमने नहीं इसको समझा, ये पहले जो शारहीन बुखारी है उन्होंने भी समझा है और इस आयत को पेश करके रूह के इल्म का इस बात किया है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब भी हैं, इन्हें और लोगों की तरह ना समझो, मखलूक के सैयद भी हैं, इन्हें और नफूस जैसा ना समझो। और फिर अल्लाह ताला ने वअल्लमका मा लम तकुन तालम की हैसियत भी अता फरमाई है, लिहाजा इन्हें आम लोगों जैसा ना समझो। आम लोगों को रूह का पता नहीं है कि उसकी हकीकत क्या है, उसकी माहियत क्या है, और ये अल्लाह के इज़्न से जानते हैं क्योंकि वअल्लमका मा लम तकुन तालम। अल्लाह फरमाता जो भी तुम्हें मालूम नहीं था अल्लाह ने वो सब कुछ तुम्हें अता फरमा दिया है। मोहतरम सामिईन हजरात, अब इस मकाम पर यह बात भी पेश नजर रहे, हर शख्स की हैसियत के मुताबिक उस पर अता होती है। जो शख्स जितने दर्जे पर फाइज है उसी पर उतने दर्जे का ही इनाम होता है। और इसमें दुनिया के हाकिम की मिसाल से देख लो, एक हाकिम वक्त का मुजारे है जो खेत में काम करता है और एक उसकी वजारत का मनसब संभाले हुए है। उन दोनों की मेहनत में अगरचे फर्क है, मुजारे दिन रात काम करता है और वो मनसब वजारत वाला चंद घंटे काम करता है, लेकिन जितना मकाम मनसब वजारत वाले का उस हाकिम के यहां है उतना उस मजारे नहीं, इस वास्ते के दोनों की सलाहियतों में फर्क है, दोनों के ओहदों में फर्क है। बिला तमसील जो बात मैं करने वाला हूं, वजीर का मकाम किसी बादशाह के यहाँ इतना बड़ा नहीं जितना सारे रसूलों के कायद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह के दरबार में बुलंद है। आम लोगों के लिए अगर यही बात बोली जाएगी तो इससे छोटा सा मजमून साबित होगा, और अगर महबूब अलैहिस्सलाम के लिए जब माँ बोला जाएगा तो इससे सब कुछ साबित हो जाएगा। ये इस वास्ते में बयान कर रहा हूं, कोई ये ना कहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वअल्लमल इंसान मा लम यालम, कि अल्लाह ने इंसान को सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। तो फिर हर इंसान का इतना बड़ा इल्म मानना चाहिए। यहां भी तो माँ का जिक्र आया है, जो भी इंसान नहीं जानता था वो इंसान को बता दिया। तो इस आयत का जवाब ये पेश नजर रखिए, या तो फिर इंसान से मुराद वो है जो इंसान की जान है और कामिल इंसान है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं का तज़किरा हो रहा है कि ये जो कुछ भी नहीं जानते थे अल्लाह ने इनको अता फरमा दिया है। और अगर इससे मुराद हर इंसान लेना है तो हर इंसान को वो दिया जो उसके निसाब के मुताबिक है, और जिन्हें सारे जहानों की रहमत बनाया था उन्हें वो दिया जो उनकी शान के मुताबिक है। क्योंकि आम इंसान के लिए ये जरूरी नहीं कि उसे जर्रे जर्रे का इल्म हो, उसे कायनात के खवास का इल्म हो, उसे तबकात का इल्म हो, उसको नमाज का इल्म चाहिए, उसको रोजे का इल्म चाहिए, उसको जिंदगी गुजारने के लिए अपनी मालूमात चाहिए, उसके लिए ये अपने इंसान होने के लिहाज से तहजीब की जो उमूर है ये चाहिए। लिहाजा वहां तो माँ खुद बयान कर रहा है क्योंकि असल में निसाब आम इंसान का है, तो फिर आम इंसान को जो चाहिए था वो अता फरमाया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ये बात उनकी है जिन्हें सिर्फ रसूल नहीं सारे रसूलों का कायद भी बनाया है और सारे जहानों की रहमत भी बनाया है, लिहाजा उन्हें वो इल्म दिया जो जहान पर रहमत करने के तकाजों को पूरा करने वाला है। और फिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उलूम अल्लाह ने नाजिल किए, अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में मुतअद्दद आयात में उसका वस्फ बयान किया और फिर उसको अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए साबित कर दिया। सूरह नहल में इरशाद बारी ताला है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने आप पर हर चीज का बयान नाजिल किया है। वो किताब हमने आप पर नाजिल की तिबयानन लिकुल्लि शै, जो हर शय का बयान है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के यहां पर औसाफ का जिक्र है, तिबयान लिकुल्लि शै व हुदा व रहमतौ व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ये तिबयान भी है, ये हिदायत भी है, ये रहमत भी है, ये बिशारत भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चार वस्फ कुरान मजीद के इस मकाम पे बयान किए हैं, उनमें से पहला वस्फ कुरान मजीद का ये है कि अल्लाह ने इसमें हर चीज का बयान किया है। दूसरे नंबर पर मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शै। सूरह यूसुफ में है, खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, ये कुरान कोई घड़ी हुई बात नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। ये क्या शान रखता है। फरमाया इसके दो वसफ बड़े बुनियादी तौर पर है, ये तस्दीक है पहली किताबों की। अगर ये किसी इंसान का कलाम होता, घड़ी हुई बात होती, इसमें इतना इल्म न होता कि पहली सारी किताबों की तस्दीक करने वाला होता, और फिर तफसीला कुल्ली शै, हमने इस कुरान को हर शय की तफसील बनाया है। पहली आयत जो थी सूरह नहल की 14वें पारे की, उसमें है तिबयान लिकुल्लि शै, और इसमें है तफसीला कुल्ली शै, हर चीज की तफसील इसमें कर दी है। और फिर फरमा मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने सूरह अनाम में है, किताब में किसी चीज की कमी नहीं की, हमने इसमें हर चीज कसरत से बयान की है, तफसील से बयान की है। अब ये कुरान मजीद बुरहान रशीद का तारुफ है, कुरान मजीद का इल्म है। इसमें सिर्फ नमाज रोजे का मसाइल का बयान नहीं, सिर्फ अहकाम इबादत का बयान नहीं, अहकाम मुआमलात का बयान नहीं, अल्लाह ने इसको जामे इतना बनाया है, इसमें हर चीज का जिक्र है। ये अलहदा बात है, जिनके लिए अहकाम जरूरी है उन्हें आयात से सिर्फ अहकाम की समझ आएगी, और जिन्हें सारे जहानों की रहमत बनाया है उन्हें इसी कुरान से जर्रे जर्रे का इल्म आएगा। तफसीला कुल्लि शै व तिबयानन लिकुल्लि शै और मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, ये सारे उमूम है और इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का इल्म, कुल शय में हर चीज आ गई है, हर चीज का इल्म कुरान मजीद में रखा और कुरान मजीद महबूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल कर दिया। जिन पे नाजिल किया है उन्हें ही अगर उसकी खबर ना हो तो फिर तो तनजील का फायदा ही खत्म हो जाएगा, फिर अमल ही मुहमल और लग्व हो जाएगा। अल्लाह हकीम है, कादर मुतलक है, उसका कोई अमल भी हिकमत से खाली नहीं होता। लिहाजा उसने उलूम को जमा करके वो सारा कुरान अपने महबूब पे नाजिल ही नहीं किया, बल्कि फरमा दिया अर्रहमान अल्लमल कुरान, इस कुरान की तालीम खुद अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमा दी है। अब कुल शय के अंदर लौहे महफूज भी मौजूद है, और लौहे महफूज में क्या कुछ है। कुरान मजीद कहता है कुल्लु सगीरिम व कबीरिम मुस्ततर, हर छोटी और बड़ी चीज का जिक्र लौहे महफूज में मौजूद है। ला हब्बतिन फी हुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, फरमाया जमीन के अंधेरों में कहीं कोई अगर दाना भी पड़ा है उसका इल्म भी किताबे मुबीन में है। हर खुश्क का इल्म है, हर तर का इल्म उस किताबे मुबीन में मौजूद है। किताबे मुबीन से मुराद लौहे महफूज अगर लिया जाए तो इस लिहाज से भी महबूब अलैहिस्सलाम के उलूम का इसमें बयान हो जाएगा। किताबे मुबीन से कुरान मजीद ना भी लिया जाए, लौहे महफूज ली जाए, और लौहे महफूज भी कुल शय में मौजूद है। जब हर चीज का इल्म दिया तो लौहे महफूज का इल्म भी दिया, और लौहे महफूज में हर खुश्क व तर का जिक्र मौजूद है, हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र मौजूद है। लिहाजा महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का इल्म अता फरमा दिया है। इस वास्ते इमाम बौसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे जूद से दुनिया भी है आखिरत भी है, ये सारी दुनिया इसमें जो कुछ है ये तुम्हारे फैजान का एक छींटा है और तुम्हारे सखावत का एक मंजर है, और जो कुछ उकबा में जन्नतें मिलेंगी और इनामात मिलेंगे वही तुम्हारे सदके में मिलेंगे। वमिन उलूमे का इल्म अल्लाह वल कलामी, अल्लाह ने तुझे इतने बड़े इल्म अता किए हैं कि आपके इल्म के एक हिस्से का इल्म इल्म लौ है, एक हिस्सा इल्म कलम है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको लौह महफूज का इल्म भी अता फरमाया है। जो कुछ कुछ को तर है, छोटी बड़ी चीज है, उसका जिक्र लौह महफूज में है। और लौह महफूज के बारे में फरमा दिया व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। सूरह यासीन के अंदर हर चीज का जिक्र उसमें मौजूद है। और हर चीज जिस वक्त इल्म दिया गया महबूब अलैहिस्सलाम को, हर चीज का उन अशिया में से एक है लौहे महफूज भी थी। लिहाजा लौहे महफूज में जो कुछ है उसका इल्म भी अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया है। और इसमें कोई ये ना समझे कि लौहे महफूज अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में है तो फिर अल्लाह ताला के इल्म के साथ बराबरी लाजम आ जाएगी। हल्के कायनात जल्ल जलालहू का इल्म हरगिज लौहे महफूज में बंद नहीं है। लौहे महफूज जितनी भी बड़ी हो बिलआखिर उसकी कोई ना कोई हद है और अल्लाह के इल्म की कोई हद नहीं है। ये हम बाकायदा एक जुमे का मौजू रखेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह के इल्म में और मखलूक के इल्म में फर्क कितना है। तमाम लोगों का इल्म जो है वो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के इल्म के मुकाबले में यूं ही है जैसे एक कतरा समुंदर के मुकाबले में हो। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में यूं ही है जैसे एक कतरा समुंदर के मुकाबले में हो। लिहाजा हरगिज किसी तरह की कोई मुसावात नहीं है। लौहे महफूज अल्लाह ताला का जमी इल्म नहीं है बल्कि खालिक कायनात जल्ल जलालहू उसके अलावा भी इल्म रखता है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लौहे महफूज का इल्म भी अता फरमा दिया है। मोहतरम सामीन हजरात, आप देखिए ये अल्लाह की तरफ से इल्म की अता का एक तरीका है कि कुरान मजीद बुरहान रशीद में इल्म जमा कर दिया और वो कुरान फिर अपने महबूब अलैहिस्सलाम को खुद पढ़ा दिया। और इस अंदाज में पढ़ाया है सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, हम तुझे पढ़ाएंगे आप भूलेंगे नहीं मगर जो अल्लाह चाहेगा। इससे भी हमारा अकीदा वाज़ेह हो रहा है कि हम अगर किसी मकाम पर महबूब अलैहिस्सलाम नहीं बोल रहे हिकमत के पेश नजर है या अल्लाह की तरफ से पाबंदी की वजह से है। और ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। खामोशी में भी हिकमत है और वो बाकायदा मौजू में हम बयान करेंगे। और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने इल्म सारा जमा करके अल्लमल कुरान फरमा दिया, सनुक़रिउका फरमा दिया। और इससे ये वाज़ेह कर दिया कि हमने कुरान मजीद में उलूम को जमा किया है और वो कुरान अपने महबूब अलैहिस्सलाम को हमने सिखा दिया है। ना तो किताब में कोई कमी है कि कुछ जिक्र होता कुछ ना होता। कहने वाले कहते क्योंकि निसाब नाकिस था पूरा इस वास्ते इनको आता नहीं है। अल्लाह ने निसाब की शान भी बयान कर दी। निसाब ऐसा कामिल है कि किसी आम बंदे का जहन और उसकी सोच तो इसकी वसतों तक जा ही नहीं सकती। और फिर पढ़ाने की निस्बत अपनी जात की तरफ की है। अब निसाब कामिल हो, पढ़ाने वाला समझाना सके, फिर भी इल्म में कमी रह सकती है। और खालिक़े कायनात पढ़ाने वाला हो तो फिर कमी का सवाल ही नहीं हो सकता। और फिर ये सारी चीजें हो और पढ़ने वाला माजल्ला कुंद ज़ेन हो तो फिर भी कमी आ सकती है। और जब पढ़ने वाले ऐसे हो कि सारे अकल वालों को अकलें वही तकसीम फरमाने वाले हो और सारी कायनात की अकलें एक पलड़े में रखी जाए, उनकी अकल सबसे भारी हो, तो फिर वो जात जब पढ़ रही हो इतना जामे निसाब हो और अल्लाह तबारक व तआला पढ़ा रहा हो तो किसी चीज का इल्म भी बाकी नहीं रह जाएगा। मोहतरम सामीन हजरात, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का ये बयान जो है, अब साथ ये बात भी पेश नजर रहे कि ये शान जो मैंने बयान की तफसीला कुल्लिश है, तिबयान लिकुल्लिश है, मा फर्रतना फिल किताब मिन्श है। ये तीनों आयात जो है इनमें जो बयान की गई जामियत कुरान मजीद की, तो ये किसी एक सूरत की नहीं पूरे कुरान की है। पूरे कुरान मजीद की ये शान है। तो लिहाजा साबित ये होगा कि जब पूरा कुरान नाजिल हो जाएगा तो इल्म भी मुकम्मल हो जाएगा। पूरे कुरान की ये शान है कि सारा कुरान अव्वल से लेकर आखिर तक इकट्ठा हर चीज का बयान है, हर चीज की तफसील उसमें है और हर चीज का तस्करा उसमें कर दिया गया है। लिहाजा अगर कोई बंदा ऐसा वाक्या पेश करता है कि जो नुजूल कुरान की मुद्दत के अंदर का वाक्या है और उसे पेश करके ये बताना चाहता है लो देखो ये सूरत हाल थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आपने जवाब नहीं दिया, हो सकता है जवाब दीगर हिकमतों के पेश नजर भी ना दिया हो, लेकिन हमारा तो दावा यह है कि पूरे कुरान के नुजूल के साथ इल्म मुकम्मल होगा। अगर पहले कोई ऐसा वाक्या है तो वो हमारे अकीदे के खिलाफ नहीं है, हमारे दावे के खिलाफ नहीं है। पूरे कुरान को इल्म का मजमा बनाया गया है और वो नुजूल के साथ मुकम्मल हुआ है। और उसके बाद एक भी ऐसा वाक्या ऐसा नहीं कि महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा गया हो और आपने जवाब ना आता फरमाया हो। जो भी पेश करेंगे वो दरमियान के अंदर आ रहा है, दरमियान के अंदर आ रहा है। नुजूल कुरान की मुद्दत अभी खत्म नहीं हुई, अभी बाकी नुजूल है, आयात बाकी है। हो सकता है उसका इल्म अभी बकिया में हो जो कुरान अभी नाजिल हो रहा है। तो ये शान जो तीन आयात के अंदर है ये मजमूई कुरान मजीद की है। और जब मजमूई कुरान मजीद नाजिल हो गया तो इसके साथ ही मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का इल्म मुकम्मल हो गया। इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इस नुक्ते को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि ये पूरे कुरान मजीद की शान है। ये बाज क्या हम बयान नहीं कर रहे, अगरचे बाज क्या एक आयत भी हमारे दिमाग के लिहाज से तो इतनी बड़ी है कि हम उसके इल्म की भी गिनती नहीं कर सकते, उसमें क्या कुछ है। लेकिन बिल आखिर पूरा तो पूरा है और पूरे कुरान का इल्म बाल से ज्यादा है। तो इस वास्ते यहाँ महबूब अलैहिस्सलाम के इल्म की तकमील पूरे कुरान मजीद की तनजील के साथ हुई है। और उसके बाद का कोई एक वाकया भी नहीं दिखा सकता कि महबूब अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया हो और आपने उसका जवाब ना आता फरमाया हो। और साथ ये बात भी है, हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल कुल अल्लामा आता मोहम्मद बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा करते थे कि नुजूल कुरान मजीद का सिर्फ ये नहीं बल्कि नुजूल के बाद बयान कुरान है। तो नुजूल के बाद बयान से इल्म मुकम्मल हो रहा था। नुजूल कुरान हो गया, नुजूल कुरान के बाद जितना नाजिल होता है बाद में उसका बयान भी होता है। जब सबसे आखिर में जो कुछ नाजिल हुआ उसका बयान अपने नजूल के बाद में हुआ। लिहाजा महबूब अलैहिस्सलाम के इल्म का जो नुक्ता उरूज है जिसको किसी पैमाने से पैमाइश नहीं की जा सकती, ये वो इल्म है जो बयान कुरान मजीद के साथ मुकम्मल हो गया। क्योंकि खालिक़ कायनात फरमाता है इज़ा क़रअनाहु फत्तबि' क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। जब हम पढ़ते हैं वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीछे पीछे पढ़ते आए। सुम्मा फिर, सुम्मा तराखी के लिए होता है कि जब हम नाजिल कर देंगे फिर हम खुद बयान करेंगे, हम सिखाएंगे कि अलिफ लाम मीम के मतलब क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर पूरी कायनात का इल्म कैसे आया है। इन्ना अलैना बयाना हमारे ऊपर लाजिम है, हमारे जिम्मे कर्म पर है। हालांकि अल्लाह ताला पर लाजिम कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन बयान इस अंदाज में कर दिया इन्ना अलैना हम पर है बयाना, उस कुरान का बयान हम बयान करेंगे। अब अल्लाह ताला ने जिम्मा ले लिया और बयान कर दिया। कुरान का बयान रब फरमा रहा हो और फिर भी कोई किसनगी बाकी रह जाए और फिर भी उसके उलूम का पूरा बयान ना हो, यह कैसे मुमकिन हो सकता है। और फिर यहां इस बात को भी वाज़े कर दिया गया नुजूल पहले है, बयान बाद में है। लिहाजा नुजूल कुरान जब आखिरी हिस्से का हो रहा था उसके बाद अभी मजीद अता का सिलसिला था जिसको बयान कुरान से वाज़े कर दिया गया। और नुजूल कुरान के बाद जब पूरे कुरान का बयान मुकम्मल हो गया, ये वो इल्म है तो जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का एक तरफ हो और बाकी मखलूकात का एक तरफ हो तो ये समुंदर की शक्ल में होगा, सबका इल्म कतरों की शक्ल में होगा। मोहतरम सामिईन हजरात, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक मरतबा इरशाद फरमाया। हदीस शरीफ इमाम तिरमिजी ने जामे तिरमिजी में रिवायत की और इसकी सनद के बारे में कहा यह सही है। और यह हवाला दिया कि मैंने इमाम बुखारी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसकी सनद को बिल्कुल सही करार दिया। वो हदीस शरीफ एक तो बयान इल्म का दूसरा तरीका भी है, एक जरिया तो नुजूल कुरान के साथ है और इसमें बतदरीज इल्म आता रहा, लेकिन कुछ गुयूब के इल्म ऐसे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त एक लम्हा में अता फरमा दिए। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रईतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसन सूरा, मैंने अपने रब को निहायत ही खूबसूरत वसफ में देखा। सूरत से मुराद शक्ल वो हकीकत नहीं हो सकती क्योंकि शक्ल के लिए खत होते हैं, ज्योमेट्री में आप जानते हैं खतूत मिलते हैं तो शक्ल बनती है। जो भी शक्ल होती है वो महदूद होती है और अल्लाह महदूद नहीं माबूद है, वो हद में आ ही नहीं सकता। लिहाजा सूरा का मतलब है आसान समझने के लिए बेहतरीन सिफ्त में देखा, बेहतरीन हाल में मैंने अपने बेहतरीन शान के अंदर अपने रब को देखा। काला फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, अल्लाह ताला ने पूछा आलमे बाला में किस चीज का झगड़ा हो रहा है। अब यहां से बज़ाहिर कुछ लोग यहां अपनी गुंजाइश निकालने के लिए यह भी कह देते हैं कि यह बात ख्वाब की है, हालांकि ख्वाब का मामला अलहदा रिवायत में मौजूद है और यह मेराज शरीफ का जो अजीम मंजर था उसका जिक्र है। लेकिन अगर ख्वाब का भी मान लिया जाए तो फिर भी हमारी दलील में इस इल्म गैब के बयान के लिहाज से कोई कमी वाकई नहीं होगी। इस वास्ते के अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी वही होता है और जो कुछ ख्वाब के अंदर हो वो महज फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती, उसमें हकीकत होती है और उसके अंदर भी सब कुछ होता है। अगर दिल फर्ज ख्वाब में ही ये मंजर था तो जो कुछ अल्लाह ख्वाब में अपने पैगंबरों से बात करता है, फरमाया ये आम लोगों की तरह नहीं होती, आम तो सोए होते हैं, दिलों को याद ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। और इनकी शान ये है तनाम वाला या वला या नामो कल भी, आंखें सो जाए दिल फिर भी जागता रहता है और जो कुछ अता हो रहा है उसको पूरी तरह सोते हुए भी महफूज रखते हैं। फरमा रही तो रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। और यहां पर यह फायदा भी इस हदीस शरीफ से जाहिर होगा। हजरत अल्लामा बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह ने एक चीज खुद दी और खुद उसका इम्तिहान लिया। आज लोग तौहीद की आड़ में जिसका इनकार करना चाहते हैं, अल्लाह खुद जानता है कि तौहीद के मुनाफी क्या चीज है। यहां हल्के कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम से गैब की खबर खुद पूछी। फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, मलाए आला में झगड़ा किस चीज का हो रहा है? मलाए आला जो इस वक्त हमसे अलहदा है, पोशीदा है बज़ाहिर, वो किस चीज का झगड़ा कर रहे हैं? अगर गैब का इल्म किसी के लिए अल्लाह के सिवा मानना शिर्क होता, हरगिज अल्लाह खुद गैब का सवाल ना करता। खल्के कायनात जल्ला जलालहू ने खुद गैब का सवाल करके इब्तिदान इस बात को वाज़े कर दिया कि आगे जो कुछ मैं अता करूंगा वो मेरी तौहीद का हिस्सा होगा, तौहीद के मुनाफी नहीं होगा। फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, झगड़ा किस बारे में हो रहा है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अंत आलम, मेरे अल्लाह तू ज्यादा जानता है, तू ज्यादा जानता है कि झगड़ा किस चीज के बारे में फरिश्ते कर रहे हैं। पूछा, इल्म नहीं था, इजहार कर दिया और आलम का इजहार किया, नफ्स इल्म का नहीं, तू ज्यादा जानने वाला है, यह फरमा दिया। तो क्या हुआ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फवादा यादहु बैन कतफैया फवजदतु बरदहा बैन सदयया फालिमतु मा फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, मैंने उसकी ठंडक को अपने सीने के सेंटर में महसूस किया। नतीजा क्या निकला? अलिम, तो मैंने जान लिया, माफिस समावात वल अर्द, जो कुछ आसमानों में था वो भी जान लिया और जो कुछ जमीनों में था वो भी जान लिया। तो ये अल्लाह की अता का दूसरा तरीका है। कैसे अता किया है? दस्ते कुदरत अल्लाह का है। अल्लाह की तो तजल्ली कहीं पड़ जाए वहां के इल्म की पैमाइश नहीं हो सकती और उसे तराजू में तोले नहीं जा सकता। और जब दस्ते कुदरत भी रखा हुआ हो पीठ के ऊपर कंधों के दरमियान और सीने में, उस दस्ते कुदरत की जो उसके शान के लायक है ठंडक महसूस हो रही हो, उसका नतीजा क्या है? ज़बान नबूवत का ये ऐलान है आलिम तो मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ भी जमीन व आसमान में था हर चीज को मैंने जान लिया। अब हल्के कायनात ने दोबारा इम्तिहान लिया। अतदरी फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जानते हो कि वो गैब में बैठे फरिश्ते क्या झगड़ा कर रहे हैं? पहले सवाल किया और फिर जवाब ये था तू ज्यादा जानता है, और फिर अता की और फिर सवाल किया। जिस वक्त दोबारा सवाल किया तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या कहा? लफ्ज बड़े काबिले गौर हैं। कुल तो नाम, फरमाया मैंने कहा हां ए अल्लाह, अब मैं जानता हूं, मैं बताऊंगा वो क्या बातें कर रहे हैं। अगर अल्लाह के देने से भी किसी का इल्म शिर्क बनता होता, हरगिज अल्लाह देता ना या दे के पूछता ना, उसने खुद दिया है और खुद पूछ के वादा कर दिया है। मेरे दिए बगैर नहीं जानते और मेरे देने से यूं जानते हैं, मैंने खुद पूछ के इसका इजहार भी करवा दिया है। कुल तो नाम, मैंने कहा हां। पहले था अंता आलम, तू ज्यादा जानता है, अब कहा हां फिल कफारात, ऐ अल्लाह, फरिश्ते इस वक्त कफारों की बहस कर रहे हैं। और यहां यह बात भी बड़ी काबिल गौर है कि अल्लाह ताला पहले भी जानता था जब सवाल किया, और फिर भी सवाल कर रहा है। फीमा यख्तसिमुल माला वल लाला, अल्लाह ताला जानता है कि मेरे महबूब मुझे क्या जवाब देंगे, फिर भी सवाल किया है। और जब हाथ रखा तो अल्लाह ताला को पता था कि क्या कुछ मिल गया है, फिर भी सवाल किया है। एक तो यह पता चला कि सवाल करना जहालत की दलील नहीं, जानते हुए भी सवाल किया जा सकता है। जैसे खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू जानता है पहली हालत को भी और जानता है दूसरी हालत को भी, इसके बावजूद भी सवाल फरमा रहा है। और दूसरी हिकमत क्या जाहिर हुई कि कल कोई मेरी तौहीद का लंबरदार बनकर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के इल्म की नफी ना करे। मैंने खुद इस इल्म का इम्तिहान लेके सनद अता की है, मैं खुद जानता हूं मेरी तौहीद क्या है। मेरे देने से किसी को आ जाए तो ये मेरी तौहीद के मुनाफी नहीं, ये तो मेरी तौहीद की शान है, ये दस्ते कुदरत की अता है। मैंने खुद दिया, मैंने खुद पूछा, हालांकि जानता था कि कितना दे चुका हूं, मगर इजहार करवाना मकसूद था कि क़यामत तक इस बात का पता चल जाए। अताई गैब वो है जो अल्लाह ने खुद जिसका इजहार करवाया है, महबूब अलैहिस्सलाम को दिया है, फिर पूछा है, और महबूब अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर का ऐलान फरमाया है। शिर्क और है, तौहीद और है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जरिए से आता है मानना, ये हरगिज़ शिर्क नहीं। इस वास्ते अल्लाह बेहतर जानता है शिर्क क्या है। शिर्क होता तो सवाल ही ना करता, अता ही ना करता, और अता करके पूछता ही ना। तीनों काम किए हैं। इस बात को वाजे किया है कि कोई मेरी तौहीद को आड़ बना के बुग़्ज़ रिसालत ना रखे, मैंने खुद इनको शानों का मालिक बनाया है। सुम्मा तला, जब ये लफ्ज बयान किए तो फिर साथ एक आयत भी पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत भी बतौर दलील पढ़ी। हालांकि खुद जो फरमा रहे हैं इसमें भी कोई कमी नहीं, लेकिन आखिर कुरान तो कुरान है। फरमा, लोगों, मुझे जो कुछ मिला इस पे ताज्जुब ना करना, अल्लाह की शान है कि अपनों को नवाजता है। हम दिखाते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमीन व आसमान के मलाकूत, ताकि उनका यकीन मजीद बढ़ जाए। फरमाया, जैसे उनको उनके शान के मुताबिक अल्लाह हर चीज का मुशाहदा करवा रहा था, मुझे मेरे मकाम के मुताबिक हर चीज का मुशाहदा करवा दिया है। नूरी इब्राहीम, हम दिखाते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मलाकूत अस-समावात वल-अर्ज़, जमीन और आसमान के मलाकूत हम दिखाते हैं, ताकि ये मजीद इनका यकीन बढ़ जाए। तो अब इस मकाम पर ये बात भी वाज़ेह हुई। कुछ लोग यहां पर यह हिल्ला साजी करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैब मानना जर्रे जर्रे का, ये कोई फजीलत ही नहीं, तुम इतना इसरार क्यों करते हो, क्या हिल्ला है। कहते हैं कि उनकी शान तो यह है कि अल्लाह ताला के बारे में हर वक्त मुतवज्जे रहते हैं, कुरान और सुन्नत और अहकाम बयान करते हैं, नमाज रोजे का मसला बयान करते हैं। ये जर्रे जर्रे को जानना ये कोई फजीलत है कि तुम कहते हो कि उनको जर्रे जर्रे का इल्म है। ये जर्रे जर्रे के इल्म के लिए दलीलें पेश करना ये कोई जरूरी नहीं है। इस वास्ते के जर्रे जर्रे का इल्म होना ये कोई फजीलत नहीं। तो मेरे भाइयों, ये बात ज़हन में रखना, अगर जर्रे जर्रे का इल्म होना महबूब अलैहिस्सलाम के लिए कोई फजीलत नहीं, तो फिर अल्लाह के लिए तो बतरीकी औला फजीलत नहीं होनी चाहिए। जबकि अल्लाह की ये शान समझी जाती है कि उसके इल्म से कोई चीज पोशीदा नहीं। जब उसके लिए जर्रे जर्रे का इल्म जाती तौर पर कमाल है, तो उसकी अता से अगर कोई जर्रा जर्रा जान ले अताई तौर पर, तो यह भी कमाल होना चाहिए। और फिर इस आयत ने वाजे कर दिया, मलाकूत जो है जमीन व आसमान के, ये कोई नमाज रोजे का इल्म तो नहीं। नूरी इब्राहीम, अल्लाह ने बतौर इनाम यह जिक्र किया, हमने अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मलाकूत का इल्म दिया है, मलाकूत का इल्म अता किया है। तो पता चला अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को एजाज के तौर पर भी ये चीजें जो जमीन और आसमान की हैं, इनका इल्म अता फरमाता है। जब खलील का ये एजाज था, उन्हें मलाकूत का इल्म दिया है, और हबीब अलैहिस्सलाम का ये एजाज है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हर चीज का इल्म अता फरमा दिया है। लिहाजा इस बात की तरफ कोई ना जाए कि जर्रे जर्रे का इल्म कोई फजीलत नहीं। ये फजीलत है जिनके निसाब का हिस्सा है, जो जर्रे जर्रे के रसूल हैं उन्हें जर्रे जर्रे का इल्म भी होना चाहिए, जो जर्रे जर्रे के लिए रहमत है उन्हें जर्रे जर्रे का इल्म जो है होना चाहिए। और ये इल्म जो है अल्लाह से गफलत का इल्म नहीं होगा। हम जैसों के लिए अगर मखलूक की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो गफलत बन सकती है, लेकिन जिन्होंने मखलूक को खालिक तक पहुंचाना है वो मखलूक की तरफ तवज्जो करेंगे तो ये गफलत नहीं होगी, ये अल्लाह की तरफ से लगाई हुई ड्यूटी का एक हिस्सा करार पाएगा। अलिम तो माफी समावात वल्लर्द, अब माफी समावात से मुराद कोई नमाज रोजा है माफी समावात से, और माफी लर्द से मुराद जो है वो जमीन आसमान की चीजों का इल्म है। समावात के जितने तबके हैं हर हर आसमान का इल्म है, और जमीन की जितनी गहराइयां हैं हर हर जर्रे का इल्म है। और ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला बतौर इनाम दे रहा है, नवाजिश के तौर पर इसको जाहिर कर रहा है। लिहाजा ये एक फजीलत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। और यहां पर माफी समावात वल अर्द, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका तर्जुमा करते हुए कहते हैं, इबारत अज हुसूल तमाम उलूम जुज़वी व कुल्ली, कि ये जो माफी समावात का जिक्र किया जा रहा है ये इससे इबारत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को हर हर जुज़वी का इल्म भी अता फरमा दिया और हर हर कुल्ली का इल्म भी अता फरमा दिया। और फिर उन्होंने फर्क किया तफावत दरमियाने ईद और रवायत कि एक है हजरत खलील अलैहिस्सलाम का मलकूत को देखना और दूसरा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमीन और आसमान को जानना। इन दोनों में फर्क क्या है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो बरसगीर पाक हिंद के मुहक्किक अलल इतलाक है, मुहक्किक अलल इतलाक और पहले नामवर मुहद्दिस, वो कहते हैं दोनों रिवायतों में फर्क है। महबूब अलैहिस्सलाम का देखना और तरह का है, हजरत खलील अलैहिस्सलाम का देखना और तरह का है। खलील अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? कहते हैं खलील अलैहिस्सलाम मुल्क जमीन व आसमारा दीद, हजरत खलील अलैहिस्सलाम ने जमीन व आसमान का सिर्फ मुल्क देखा। वह हबीब अलैहिस्सलाम हर चे हाल दर जमीन व आसमा अज जवातो सिफात व जवाहिरो बवातिन हमारा दीन, कि उधर खलील अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ जमीन व आसमान को देखा और हबीब अलैहिस्सलाम ने हर हर जमीन के अंदर हर हर आसमान के अंदर जो जो जात थी उसे भी देखा, जो जो सिफत थी उसे भी देखा, जो कुछ जाहिर था उसे भी देखा और जो कुछ बातिन था उसे भी देख लिया। फरमाया क्योंकि फर्क है दोनों के मकामात में, हबीब अलैहिस्सलाम के मकाम का तकाजा और है, खलील अलैहिस्सलाम के मकाम का तकाजा और है। ये खलील अलैहिस्सलाम ने यूं देखा जैसे जहाज की निचली परवाह से कोई किसी शहर को देख ले तो ये एक ढांचा सामने आया है, ये नहीं पता चल रहा कि 10 मंजिला प्लाजे के अंदर जो दफातर है उनकी सेफ के अंदर जो बैग पड़ा उसमें क्या है, सिर्फ बज़ाहिर ज़हर को देखा। और हबीब अलैहिस्सलाम की रोयत की मिसाल ये है हर चे हाल अज़वातो सिफात व ज़वाहिरो बवातिन हमारा दीन, जो कुछ जमीन के ऊपर जाहिर है वो भी देखा और जो लाख पर्दे में है वो भी देखा, जो आसमान पे जाहिर है वो भी देखा, जो कुछ पर्दे में है वो भी देखा, जो किसी बंदे के चेहरे पर है वो भी देखा और जो उसके दिल के अंदर है वो भी देख लिया। ये फर्क बयान करते हुए साथ इस नुक्ते का जवाब भी उनके फर्क से मिलता है जो लोग आज बहाना करते हैं कि ये जर्रे जर्रे को जानना कोई फजीलत नहीं है। शेख ने इस फजीलत के नुक्ते को बयान किया, उन्होंने अपने तौर पर फर्क जाहिर किया और ये फजीलत उसे समझ आ रही है। कहने लगे हबीब अलैहिस्सलाम का देखना और नौयत का है और खलील अलैहिस्सलाम का देखना और नौयत का है। एक होता है तालिब और एक होता है मतलूब, एक होता है सालिक और एक होता है मजजूब, एक होता है मुरीद और एक होता है महबूब। तो कहने लगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसलिए दिखाया जा रहा था वाले यकून मिनल मुकनीन, हर जर्रे को देखे कि वहां से खुदा की तरफ पहुंचे, वहां से दलील मिले और जर्रे जर्रे को देखकर अल्लाह की कुदरतों को जानकर मजीद यकीन पर पहुंचे। उनको दिखाया जा रहा था कि वो पहुंचना चाहते हैं और महबूब अलैहिस्सलाम को दिखाया जा रहा था कि ये अल्लाह की महबूब बन चुके हैं और महबूब को बतौर इनाम दिखाना चाहिए। उस मकाम पर पहुंचने का ये एजाज है, ये ज़ियाफ़त है, लिहाजा इन्हें बतौर महबूब दिखाया जा रहा था और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतौर मुहिब दिखाया जा रहा था। जितना फर्क मुहिब और महबूब में है इतना इन देखने वाली हैसियतों में फर्क है। हजरत खलील अलैहिस्सलाम ने देखा ताकि अल्लाह की बारगाह में कुर्ब के आखिरी मकाम तक पहुंचे, उनको इसलिए दिखाया जा रहा है। और महबूब अलैहिस्सलाम को इसलिए हर चीज का इल्म दिया गया है क्योंकि ये महबूब है, लिहाजा अब इनका मकाम ये है कि अपना सब कुछ इनको दिखाना चाहिए। लिहाजा खालिक़े कायनात ने हर चीज का इल्म महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया है। अब ये शेख मुहक्किक़ तो हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत जमाना पहले के हैं। ये बरेली का घड़ा हुआ दीन नहीं है, ये पूरी उम्मत से कुरान और सुन्नत से तवातुर के साथ साबित है कि महबूब अलैहिस्सलाम की शान ये है। और फिर यहां से ये पता चला कि इन चीजों को देखना ये कोई दुनियादारी नहीं है। इन चीजों को हम जैसे देखें तो दुनियादारी बन जाए, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम इन्हें देख रहे हैं, अल्लाह दिखा रहा है, इस वास्ते कि ये भी उनकी हैसियत के दीन का हिस्सा है। और उन्हें इतनी वुसअत दे दी गई है, इतना इल्म दे दिया गया है कि वो हर जर्रे से मार्फत रखते हुए उसी से अल्लाह की तौहीद का बयान करें। जितने वाज़े मुवाहिद बड़ा होगा उतने दलाइल तौहीद ज्यादा होंगे। महबूब अलैहिस्सलाम वो मुवाहिद हैं जो अनगिनत दलाइल से अल्लाह की तौहीद को बयान करते हैं। और अनगिनत दलाइल कैसे हैं? उनको अल्लाह ने ये इल्म दिया हर हर जर्रे से तौहीद साबित कर सकते हैं। और हर हर जर्रे से तौहीद तब साबित होगी जब हर हर जर्रे का इल्म भी अता फरमाया जाएगा। लिहाजा बुग़्ज़ और है और उस पर यह लेबल लगाना चाहते हैं कि यह कोई फजीलत नहीं है। ये बुखारी का एक शायर है, उसने ये मुनकरीन में से इस बात की तरफ वो काफी लिखता रहा कि ये कोई फजीलत ही नहीं है जिसको ये अहले सुन्नत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो हजरत शेख अब्दुल हक ने कैसी फजीलत बयान की कि ये तो इतनी बड़ी फजीलत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निसाब में भी ऐसी नहीं आई जो अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। और फिर यहां पर यह हदीस शरीफ जब दूसरी जगह बयान की गई तो वहां पर लफ्ज ये है, फबजत तो बर्द अना मिली ही फी सदिया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ रखा तो मैंने अल्लाह के शान के लायक जो हाथ है उस हाथ की उंगलियों के जो पोरे हैं और उंगलियां हैं, अल्लाह ताला की शान के लायक जो दस्ते कुदरत है उसकी उंगलियों की ठंडक मैंने सीने में महसूस की। पहली इतमा था कि ये कि फवजत को बरतहा, हाथ की ठंडक, इसमें हाथ की उंगलियों की ठंडक, सिर्फ बयान अंदाज में फर्क है, अंदाज में फर्क है, वरना हाथ भी वही है, हाथ की उंगलियां भी वही है। और इसमें अब नतीजा क्या निकला? फरमा फतजल्लाली कुल्लो शय, अल्लाह ताला ने जब हाथ रखा तो हर चीज कायनात की मेरे सामने रोशन हो गई। वहां था पालिम तो माफी समावाते वल्लर्द, और यह है फतजल्लाली कुल्लो शय। तिर्मिज़ी ने दोनों की संग के मुताबिक, इमाम बुखारी के कौल के मुताबिक सही होने का कौल किया। अलिम तो माफी समावात वल अर्ज़, ये भी अता का एक तरीका है। तजल्ला अली कुल्लु शै, अल्लाह का दस्ते कुदरत जो है उसकी वजह से क्या हुआ, हर चीज मेरे लिए रोशन होगी। जहां जहां किसी चीज का मकाम था वो मुझसे अपने आप को छुपा ना सकी। अल्लाह के हाथ का कमाल है कि हर चीज मेरी आंखों के सामने रोशन हो गई। हदीस शरीफ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के अताई होने के बारे में वाज़े तौर पर इस बात को साबित किया कि ये महबूब अलैहिस्सलाम का अपना दावा नहीं, अल्लाह के हाथ का कमाल है। और अल्लाह अगर ये ना दे सके तो वो अल्लाह हो कैसे सकता है? उसकी शान ये है वो देने में किसी का मजबूर नहीं है कि कोई इजाजत दे और फिर वो अता करे। ये लोग अल्लाह की रहमत के हरगिज मुंशी नहीं है, वो कादर मुतलक है, वो मुख्तार है। अपने महबूब अलैहिस्सलाम को जो देना चाहा वही अता कर दिया, और इस अंदाज में अता किया है कोई अब पैमाना करीब बाकी ना रहा कि जिससे ये बयान किया जाए इतनी चीजों का दिया, एक डिवीजन का दिया, एक मुल्क का दिया, दरख्तों का दिया या सिर्फ पहाड़ों का दिया। फरमाया तजल्लाली कुल्लु शै, जो भी चीज थी, जो भी जिसको वजूद मिलना था या मिल चुका था, हर चीज का इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। क्योंकि शै मौजूद को भी कहते हैं, और शै की तारीफ दूसरी ये है मा युलम व युखबर अनहु, जिसका इल्म आ सके और जिसकी खबर दी जा सके, अगरचे अब मौजूद ना हो क़यामत तक मौजूद होने वाली हो, उसे भी शय कहा जा सकता है। फतजल्लाली कुल्लु शय, जो कुछ भी मार्ज़ वजूद में आके फना हो चुका था या मौजूद था या क़यामत तक मौजूद होने वाला था, हर चीज को अल्लाह ने मेरे लिए रोशन फरमा दिया। अब कुल्लु शय जब आ गया तो शय में जमीन भी है, आसमान भी है, और इसी शय में लौहे महफूज भी है। मिन उलूमे का इल्म अल्लाह वल कलामी। इमाम बोसीरी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, इसी का तर्जुमा कर रहे हैं। तजल्लाली कुल्लो शै, जब हर चीज रोशन हो गई तो हर चीज के अंदर लोहे महफूज भी रोशन हो गई। और लोहे महफूज के बारे में तो सबका अकीदा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जब उसमें सब कुछ लिखा हुआ है तो वो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का सब कुछ पड़ा हुआ भी है। तजल्लाली कुल्लो शै, हर चीज रोशन हुई। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि तजल्ली आई फिर चमक खत्म हो गई, और एक मरतबा आ गया फिर खत्म हो गया। अगरचे इसका तफसीली बयान इंशाल्लाह फिर होगा, लेकिन जो बात वो करें पकड़े जाएंगे। अगर एक मरतबा हर चीज को, गैब पूरे को जानना ये शिरक नहीं, तो फिर बार बार जानना भी शिरक नहीं होगा। अगर शिरक है तो फिर थोड़ा सा भी शिरक है, अगर शिरक नहीं तो फिर सारा भी शिरक नहीं। अल्लाह के देने से अगर एक मरतबा हर चीज को जान लिया, अगर ये अहले इस्लाम है, तो फिर अल्लाह की कुदरत से अगर हर वक्त सारी चीजों को जान ले तो ये भी अहले इस्लाम होगा। लिहाजा फतजल्लाली कुल्ल शै, इससे जरूर ये बात हर जिहत के लिहाज से साबित होगी कि महबूब अलैहिस्सलाम के सामने हर चीज मुतजल्ला हो गई। और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब अलैहिस्सलाम को हर चीज का इल्म अता फरमा दिया। यहां ये बात भी काबिल गौर है, फतजल्लाली कुल्ल शै, लोहे महफूज सामने हो और महबूब अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हो। चलो उनका कौल हम एक लम्हा के लिए सामने रखते हैं। एक मरतबा तजल्ली पड़ी और फिर अंधेरा छा गया, और एक मरतबा कुल्ल शै आ गई, उसमें लोहे महफूज भी है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये तो कोई कुंद ज़ेहन हो सकता है जो एक मरतबा मुताला करे और फिर भूल जाए। और जिन्हें अल्लाह ने कायनात की सबसे कामिल जहानत अता फरमाई है, एक नजर भी निगाह अगर लौह महफूज पे फेर ली है तो कभी भी जो कुछ लिखा हुआ था भूल नहीं सकते। उसमें सब कुछ पर नजर पड़ गई है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज को अल्लाह की अता से बयान करने वाले हैं। फतजल्लाली कुल्लो शै, हर चीज मुतजल्ला हुई, लौह महफूज भी। और लौह महफूज का मुतजल्ला होना, ये मैंने उनके कौल के मुताबिक भी उसकी वजाहत कर दी, वरना यहां महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में तो हर वक्त ये दुनिया मौजूद रहती है और हाजिर रहती है। उसका अलहदा इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, लेकिन यहां ये बात बड़ी तवज्जो के साथ सुन लीजिए कि ये वो महबूब अलैहिस्सलाम है जिनकी जहानत का आलम यह है। बुखारी शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्मअ मिनका हदीसन कसीरा, आपसे बहुत ज्यादा हदीसें सुनता हूं, अनसा हूं, वो भूल जाता हूं। एक यह है कि नॉर्मल जहानत हो और उस पर इजाफा हो। नहीं, यहां पर जिक्र हो रहा है तो मैं तो निस्यान का मरीज हूं, मेरी नॉर्मल जहानत भी नहीं, सुनता हूं भूल जाता हूं, आम से आपा जैसा भी मैं नहीं कर सकता, सुनता हूं भूल जाता हूं। बाकायदा इमाम अस्कलानी ने इसकी वजाहत की है कि ये कह रहे थे मैं सारी याद रखूं यह तो बड़ी दूर की बात है, आम नॉर्मल सी जहानत हो यह तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो कसीर निस्यान वाला हूं, मरीज हूं निस्यान का। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा, उबसुत रिदा का, अपनी चादर बिछा लो, फिर खाली हाथ चादर पे डाला है, जुम्महु इलैका, अब इसको सीने से लगा लो। अबू हुरैरा कहते लन्नन साबाद हो, फिर पूरी जिंदगी कभी भूला ही नहीं हो। सही बुखारी शरीफ है, मजनू लैला की दास्तान नहीं है, बुखारी शरीफ है। और ये बात भी अगर बयान करने निकलूं तो शाम हो जाएगी। ये हाथ अभी खाली थे, बाकायदा रावी ने इशारा करके हाथों को मिला के कहा कि यूं हाथ भर के रखा, और मानने का नाम भी ये है। अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा हाथों में है तो कुछ नहीं, किस चीज को सीने से लगाओ, मानना कहते इसको है। खा कुछ नजर आ रहा है फिर भी, नजर नहीं आ रहा फिर भी, जिनके खाली हाथ इतना देते हो उनके भरे हुए हाथ कितना अता फरमाते होंगे। खाली हाथ चुल्लू भर के रखा है, और ये है सहाबी का यकीन। ये नहीं आगे से एतराज किया पैगंबर ये कोई माजल्ला आज का कोई बुद्धू होता तो ये जो एक तबका है कहते कि हमसे मजाक हो रहा है, खाली हाथ क्या आ रहा है, सीने से लगाओ, क्या लगाएं। नहीं, ये सहाबी थे, यकीन था कि ये कोई माजल्ला किसी किस्म की कार्रवाई नहीं, ये हकीकत है। लिहाजा अगरचे खाली हाथ थे उसे हकीकत समझा। कहते मैंने सीने से लगाया, अब पहले निस्यान का मरीज था, अब सिर्फ हाफजा ही नहीं मिला, वो हाफजा मिला है कि सारे सहाबा से बढ़कर पहले नंबर पर 5000 से ज्यादा किसने हदीसें रिवायत की है। उन्हें इमाम अबू हुरैरा कहा जाता है। अब मोहतरम सामीन हजरात, ये बात ज़िम्नन अर्ज़ कर रहा हूं कि ये खाली हाथ है। अगर मिसाल के तौर पर भरे हुए होते, सोना होता, यानी खाली और भरे का बात सिर्फ कर रहा हूं, खाली है। अगर इतना सोना डालते, रब्बे काबा की कसम है, ये दुनिया का सोना इतना फायदा नहीं दे सकता था जितना खाली हाथ ने दिया है। वो सारे सोने के कुश्ते बना के हज़रत अबू हुरैरा खा जाते, फिर भी हाफजा ना मिलता जो खाली हाथों ने अता फरमाया है। तो जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया, वो नौए महफूज पे एक लम्हा अगर देख ले तो फिर भी सब कुछ हमेशा बयान कर सकते हैं। और इनकी शान ये है कि लौ के भी नबी हैं, उसके भी रसूल हैं। वो कहाँ जाएगी छुप के, इनके सामने मौजूद है। जब चाहते हैं नजर करते हैं, जब चाहते हैं बगैर नजर के बयान कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का इल्म अता फरमाया है। इस वास्ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वाज़िह कह दिया, बुखारी शरीफ में है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीना मकामन, एक जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। मौजू इल्मे गैब का था। मजमून कहां से शुरू किया? अखबरना अम बदइल खल्क, मखलूक की आफरीनश के आगाज से मौजू शुरू कर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहली मखलूक है। आपके बाद जो कुछ पैदा हुआ दूसरे नंबर पर, उससे लेकर कहां तक बयान किया। दाखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम, यहां तक कि क्यामत और फिर हिसाब, और उसके बाद जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। ये सारा मजमून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये अकीदा नहीं है कि ये कोई फजीलत नहीं, इन चीजों को जानना, बल्कि फजीलत समझ के बयान कर रहे हैं कि अगरचे ये पहले से लेकर आखिरत की खबरें, ये नमाज रोजे की खबर नहीं है, ये निकाह तलाक की खबर नहीं है, ये इससे अलावा हालात है, वाकयात है, बकाए हैं, अय्याम की खबरें हैं, चीजों की खबरें हैं, जर्रे जर्रे का बयान है, बंदे बंदे का जिक्र है, उनका कुफर, उनका ईमान, उनकी दुनिया, उनकी बरज़ख, उनकी जन्नत, उनके दोज़ख, हर चीज का बयान है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का इतना इल्म था, सब कुछ बयान कर दिया। हाफिज़ ज़ालिका मन हाफिज़हू व नसिया मन नसियाहू, फरमाया जिसने जितना याद रखा याद रखा, जो भूल गया भूल गया। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने सब कुछ बयान फरमाया था। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, उनका अकीदा बुखारी शरीफ में है। और इससे ये सारी जिहाद वाज़ेह हो रही है कि इन चीजों का इल्म फजीलत भी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल भी है। और ये भी कोई ना समझे कि एक महफिल में सारा बयान किस तरह हो सकता है। वक़्त और वक़्त की वुसअत और उसको रोकना और उसको फैलाना और थोड़े में सब कुछ अता करना, ये सारे इन्हीं के कमालात हैं। लिहाजा मखलूक के आगाज से लेकर क़यामत के आने तक और उसके बाद के फैसलों तक सब कुछ बयान किया है। हाफिज़ा ज़ालिका मन हाफिज़हू, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जिसने याद रखा उसने याद रखा, जो भूला वो भूला। महबूब अलैहिस्सलाम ने कोई कमी नहीं की और हर चीज की खबर हमें अता फरमाई है। ये हूबहू आले सुन्नत के अकीदे की हर जिहत सहाबा से साबित हो रही है। अगर ये शिरकी अकीदा होता, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा शिरक पर कुल्हाड़ी जलाने वाला कौन है। फौरन दूसरों को भी रोकते, खुद बयान कर रहे हैं। तो पता चला अल्लाह ताला की अता से ये मानना शिरक नहीं, हालांकि यहां अता का बजाय जिक्र भी नहीं, फिर भी वो बयान कर रहे हैं। और उसी अकीदे की बुनियाद पर जो जिगर मकामात पर मौजूद है। और इसमें हम जो कहते हैं कि उनको माकाना का इल्म भी था और मायकून का इल्म भी था, वो दोनों बातें मौजूद है। अखबाराना अम बदिल खल्क, मखलूक जब से पैदा होना शुरू हुई उस वक्त से लेकर आज तक, जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने बयान कर रहे थे और महबूब अलैहिस्सलाम ने बयान किया, ये सारे का सारा माकाना था। और हत्ता दाखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम, ये सारा मायकून था जो मुस्तकबिल में होने वाला है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माकाना का इल्म भी अता फरमाया और मायकून का इल्म भी अता फरमाया। आगे जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, सलाहियत थी, जो याद रख सका वो आगे रिवायत करता रहा, बयान करता रहा। और सारे का सारा महबूब अलैहिस्सलाम को ही आता है और महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से उसका बयान फरमाते रहे।